आइडिया वीडियो जमात एक से दो के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की दी गई तस्वीरों में रंग भरकर उसके शुरुआत के हर्फ को पहचानने और सही हर्फ पर दायरा बनाने की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और कागज से बने फूल से सजावट, इस वीडियो के बारे में आपके ख्याल हमें जरूर बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं। जमीन पर एक लकीर खींचें और तमाम वालदा को दो दो के ग्रुप में लकीर पर खड़ा करें। अब पहली वालदा का दायां पैर और दूसरी वालदा का बायां पैर आपस में बांध लें। अब एक दो तीन कहने पर दोनों वालदा को तवाजन बरकरार रखते हुए लकीर के आखिर की तरफ दौड़ना है। जो ग्रुप पहले पहुंचेगा वो फतेह होगा। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। आंखें हमारे जिस्म का एक नाजुक हिस्सा है, इसलिए इनका मुकम्मल ख्याल रखना जरूरी है। अगर कोई मामूली मसला भी हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको साफ नजर आ रहा है? क्या आपकी आंखें बेहतर काम कर रही हैं? या आपको डॉक्टर के पास जाकर आंखों का मुआयना करवाने की जरूरत है? ये मालूम करने के लिए आप भी एक दूसरे की आंखों का मुआयना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चार्ट। इस चार्ट को स्नेलन नाम के एक साइंसदान ने बनाया था, इसीलिए इसे स्नेलन चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में हुरूफ, तसाविर या अंग्रेजी का हर्फ ई होता है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उनके लिए ये ई चार्ट काम आता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ई हर्फ का रुख कौन सी सिमत में है। आइए चार्ट लगाने का तरीका देखते हैं। कम रोशनी वाले कमरे में चार्ट ना लगाएं। चार्ट पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चार्ट के पीछे रोशनी आ रही हो और उसे सामने से देखने में दुश्वारी हो। अगर आंगन या किसी खुली जगह में चार्ट लगाया हो तो ख्याल रखें कि इस पर रोशनी न ज्यादा न कम। अगर चार्ट किसी कमरे में लगाया गया हो तो रोशनी मामूल के मुताबिक हो। अब चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर एक लकीर खींच लीजिए, यानी चार्ट और देखने वाले शख्स के दरमियान 6 मीटर का फासला होना चाहिए। चार्ट को तिरछा ना लगाएं। चार्ट को किसी कोने में ना लगाएं। चार्ट को बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी ना लगाएं। चार्ट को देखने वाले शख्स की आंखों के मसावी दर्जे पर लगाएं और अगर कोई पहले से चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसकी आंखों का मुआयना चश्मा लगाकर ही करें। मुआयने के दौरान हथेली को कटोरी नुमा बनाकर सबसे पहले बाईं आंख बंद करें। आंख बंद करने के लिए नोटबुक या किताब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे की आंखों का मुआयना कर रहे हो तो उनसे पूछें कि ई का रुख किस सिमत में है। मुआयने के लिए सबसे ऊपर की सतर से शुरुआत करें और आखिरी सतर तक नीचे आते हुए पूछें कि ई का रुख किस सिमत में है। इस तरह दोनों आंखों का मुआयना करें। जिन्हें 6 मीटर की दूरी से 6 या 9 सतर के हुरूफ नजर आते हों तो उनकी नजर दुरुस्त होती है। अगर वो सतर 6 या सतर 9 के ऊपर की सतरें नहीं पढ़ सकते हों तो उन्हें चश्मा जरूर लगाना चाहिए। ऐसे अफराद को डॉक्टर के पास जाकर आंखों का मुआयना करवाने का मशवरा दें। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं।
चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। दी गई तस्वीरों में रंग भरें और तस्वीरों के नाम मुकम्मल करें। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की सरगर्मियाँ यहाँ पर खत्म होती है। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।